हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री नेचर और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे स्वॉर्म ड्रोन्स की तरफ से अपडेट आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, कुछ दिनों पहले मैंने जगुआर के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को जगुआर की जरूरत है। तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है स्वॉर्म ड्रोन्स को लेके कि इंडियन एयरफोर्स और हमारी जितनी भी कंपनीज है, जैसे कि सेंटर फॉर आईटी एंड रोबोटिक्स हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो गई, ये सारी कंपनीज अब स्वॉर्म ड्रोन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। और इनका भी ये प्लान है कि 4 सालों के अंदर अंदर तक इन्होंने स्वॉर्म ड्रोन्स को बनाकर तैयार भी कर लेना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा जगुआर को भी अपग्रेड करना है और जगुआर के इंजन्स को भी अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर स्वॉर्म ड्रोन्स हमारे आ जाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जगुआर जो है वो लैंड अटैक एयरक्राफ्ट है, मतलब डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो यहाँ पे हर एयरक्राफ्ट पे 6 स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे। इस वजह से जब भी कोई हाई वैल्यू टारगेट होगा, जैसे कि S-400 सिस्टम्स हो गए या फिर कोई भी सैम्स हो गए या फिर चाइनीज़ कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, तो वहाँ पे स्वॉर्म ड्रोन्स को भेजा जाएगा, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से टारगेट को हमला करना है, और वो अपने मिसाइल्स को वहाँ पे इंगेज कर देंगे। और इस वजह से जो भी जगुआर्स होंगे या फिर हमारे जो दूसरे मल्टी रोल फाइटर जेट्स होंगे वहाँ पे स्ट्राइक करके आ जाएंगे। और एक तीसरा एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल रहेगा, द मदरशिप ऑफ ऑल स्वॉर्म ड्रोन्स, जो कि 70,000 फीट के हाइट से ऊपर रहेगा। वो सेंटर को डेटा प्रोवाइड करता रहेगा कि कौन से स्वॉर्म ड्रोन ने किसे हिट किया और कौन सा स्वॉर्म ड्रोन अभी भी जगुआर के साइड में चल रहा है। ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे ये कि स्टैंड ऑफ वेपन्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब जगुआर को एनिमी के एयरफील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पहले से इन्हें लॉन्च करके गाइड भी कर सकता है, क्योंकि जगुआर एक मैंड एयरक्राफ्ट होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है। तो INS रणविजय, जो कि राजपूत क्लास की ही शिप है, उसने आज ब्रह्मोस को लॉन्च किया बे ऑफ बंगाल में, और उसने अपनी जो टारगेट शिप है उसको जाके बखूबी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। आपको ऑलरेडी पता होगा ब्रह्मोस की सीक्वल ट्रायल्स चल रही हैं, जैसे कि पहले इंडियन आर्मी ने किया था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने किया था, इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा एक और ट्रायल किया जिसमें ब्रह्मोस को 1500 किलोमीटर तक जाके हिट किया है ब्रह्मोस ने, और उसके बाद अब इंडियन नेवी ने इसका टेस्ट किया। ये सारे टेस्ट एक रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं कि किसी भी मिसाइल को पिक किया जा रहा है इनके इन्वेंट्री से, और उसको टेस्ट किया जा रहा है कि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस कैसी है और किस हद तक ये एक अच्छी तरीके से टारगेट को हिट कर भी पा रही है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें अच्छी निकल के आई हैं, मतलब जो भी ब्रह्मोस मिसाइल को निकाला गया था इन्वेंट्री से उसने बखूबी हिट किया है। और एक मैसेज भी है चाइना के लिए कि हमसे बच के रहें पैंगोंग टीएसओ में, क्योंकि पहाड़ी के उस पार भी ब्रह्मोस जाकर अच्छी तरीके से हिट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब चाइना की बात कर ही रहे हैं तो चाइना के बारे में एक और बात कर लेते हैं। चाइना ने, आपको ऑलरेडी पता होगा, अप्रैल मई के दौरान 60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स पहाड़ियों पर तैनात किए हैं, और इंडिया ने भी करीबन उससे 2 गुनी संख्या में ट्रूप्स भी तैनात किए हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो 50,000 फीट की हाइट से ऊपर तक आराम से दे सकते हैं पहरा, मतलब वहाँ पे वो गार्ड कर सकते हैं अपनी जो टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स की वो हालत नहीं है, वो ठंड में बिल्कुल आइसक्रीम की तरह और गर्मियों में बिल्कुल मोमोज की तरह रोस्ट हो जाते हैं। तो चाइनीज़ ट्रूप्स का यही जो हाल है, वो चाइनीज़ ट्रूप बार बार रोटेशन कर रहे हैं, बेसिकली वो दिन में 2 बार रोटेशन कर रहे हैं। ये खबरें साफ साफ इंडियन ट्रूप्स की तरफ से बताई गई हैं कि चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो बार बार रोटेट करके पीछे जा रहे हैं, फिर दूसरे चाइनीज़ ट्रूप्स आ रहे हैं, उसके बाद और भी इसी तरीके से रोटेशन की जा रही है, मतलब दिन में 2 रोटेशन की जा रही है। और जैसे कि आप सेटेलाइट में देख पा रहे होंगे, जहाँ पे चाइना ने अपने स्टैक्स लगा के रखे हैं, जैसे कि कानाकुलर फोर्ट हो गया जहाँ से Finger 8 ख़त्म होता है, यहाँ पे चाइना के पास आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। इवन पैंगोंग टीएसओ में भी, मतलब जो लेक है उसमें भी बर्फ जमना शुरू हो गई है, और धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी दिसंबर ने सिर्फ दस्तक दी है, आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ रहेगी और इनका कुल्फी बनना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। आपको ऑलरेडी पता होगा सिक्रोस्की के रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने ऑर्डर किए हुए हैं, जो कि एक सबमरीन हेलीकॉप्टर है, मतलब सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर है, और साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छा रिकॉनसेंस कर सकते हैं। इनके पास कई तरह के सोनार्स और रेडार्स भी लगे हुए हैं। तो इस हेलीकॉप्टर में 3 की संख्या में इस महीने डिलीवर किए जा सकते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी की तरफ से दिए जाएंगे। आपको ये भी पता होगा ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक वे है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा हिस्सा रखता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी भी चाहती है कि इंडियन नेवी इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो कि जब भी चाइनीज सबमरीन्स या फिर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिसएडवेंचर होता है चाइना की तरफ से, तो इंडियन नेवी उसका बखूबी जवाब देने में सक्षम हो, तब
क्वाड भी उसी तरीके से और उसी अच्छे तरीके से काम कर सकेगा इंडियन ओशन रीजन में भी। जब भी अगर कोई चाइनीज एक्टिविटी या फिर किसी और भी देश की अगर एक्टिविटी की जाती है तो यहाँ पे अगर इंडियन नेवी ट्रेन रहेगी अमेरिकन सिस्टम्स पे तो उस पर काफ़ी जल्दी और काफ़ी बखूबी तरीके से काम किया जा सकेगा। तो इस वजह से भी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 3 की संख्या में नए हेलीकॉप्टर्स जो उन्हें डिलीवर किए गए वो इंडियन नेवी को दे रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई है कि अस्त्रा जो मिसाइल है बेसिकली अस्त्रा Mk1 है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन वो इंडिजिनस मिसाइल है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूनिट कॉस्ट, अस्त्रा की यूनिट कॉस्ट 1.1 मिलियन आती है। साथ ही साथ AM120C और AM120C5 की जो है 1.3 से लेकर 1.9 मिलियन तक की आती है। डर्बी की 1.2 मिलियन, माइका IR की 1.9 मिलियन, मिटियोर की 2.9 मिलियन और वैम्पल की R77 RVVA की 1.2 मिलियन। यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। मिटियोर की जो प्राइस है वो 2.9 मिलियन है क्योंकि वो सच में काफ़ी अच्छी मिसाइल है जिस उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। माइका की जो रेंज है वो कम है लेकिन उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता जितना ज़रूरत है। इसी वजह से अस्त्रा के जो प्राइस है क्योंकि अस्त्रा को स्क्रैच से डेवलप किया गया है, अस्त्रा में बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ही बनाई गई हैं, इंडिया के सीकर्स, इंडिया के ही रेडार, सारी चीज़ें इंडिया में ही बनाई गई हैं। पूरा अस्त्रा जो मिसाइल है मतलब जो अस्त्रा की सीरीज़ भी आएगी वो भी इंडिया में ही बनाई जाएगी और कम ऑर्डर मिलने की वजह से मतलब करीबन 200 के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें महंगी है और जैसे ही समय के साथ साथ ये जो ऑर्डर हैं बढ़ते जाएंगे, जैसे इंडिया ने वियतनाम को इसके लिए ऑफ़र किया हुआ, फिलीपींस को भी ऑफ़र किया हुआ, अगर ये कंट्रीज़ खरीदती हैं तो धीरे धीरे इस मिसाइल की जो प्राइस है वो और डाउन होती जाएगी क्योंकि ये अब मिसाइल अभी नई है। इस वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब ही इसके बनाने की कॉस्ट को एक बार रिकवर कर लिया जाएगा तो इसकी प्राइस उसके बाद आराम से लो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन्होंने एक प्रपोजल दिया हुआ है, मतलब इन्होंने एक ऑफ़र दिया हुआ है कि जो भी कंपनी इंडिया में चिपसेट बनाती है जैसे कि नाभिक के चिपसेट्स हो गए या फिर और भी चिपसेट्स हो गए जो कि यूज़ किए जाएंगे इंडियन आर्मी में भी या फिर इंडियन जो भी फ़ोन्स बनते हैं उसमें जो कि GPS के चिप्स होते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो चिप्स होते हैं उन सभी चिप्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इसके लिए कम्प्लीटली ओपन प्रपोजल दिया गया है उन सभी कंपनीज़ को या फिर वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट कंपनीज़ हो जिनके पास भी ये कैपेबिलिटी है चिप्स बनाने के लिए, वो आके इसमें अपने चिप्स को दिखा सकते हैं। मतलब उन्हें टाइम दिया जाएगा या फिर वो अपने जो भी जिस टाइम पीरियड में वो अपने दिखाएंगे उसके बाद उस कंपनीज़ में से बिडिंग होगी, जिस कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अपना सेलेक्ट किया जा सकेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिजिनस ही होने वाली हैं, मतलब वो इंडिजिनस कंपनीज़ को ही खोज रही हैं। यहाँ पे अभी भी कोई भी मेक इन इंडिया की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की प्राइवेट कंपनी की ही बात की गई है। अगर वो किसी और इंटरनेशनल कंपनी से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और बनाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपना हाथ नहीं लगा सकती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भी। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट गांजा फूकने वालों की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जब कुछ लोग गांजा फूक लेते हैं तो सरफेस पे ही न्यूक्लियर जो प्लांट है या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको वहीं पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो पड़ोसी हैं जो कि लो क्वालिटी का गांजा फूकते हैं तो उन्होंने बेसिकली चश्मा पाकिस्तान जो कि एक एरिया है वहाँ पे उन्होंने मतलब जो भी उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो साफ साफ सेटेलाइट से ट्रैक कर ली गई है। और ये कि सेटेलाइट से ही नहीं, ये गूगल अर्थ से बेसिकली ट्रैक की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेन एंट्रेंस लार्ज डोर्स हो गए, एक्सटेंशन 30x30 के 4 स्टोर्स हो गए, हाफ जो कि आधे अंडरग्राउंड में है आधे ऊपर है, टॉल स्टैक हो गए, ये सारी चीज़ें सेटेलाइट में निकल के आ रही हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान की बेसिकली सिक्योरिटी कुछ खास नहीं है। कोई भी कंट्री एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, इवन नाइजीरिया भी इनके यहाँ से न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी है वो आराम से लेके जा सकता है। और हो सकता है कि ईरान को भी इन्होंने ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का वादा किया हो और इस वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इस चीज़ के। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट अपडेट के बारे में। तो SCO मीटिंग हो रही थी मंडे को हमारे जयशंकर जी वहाँ पे गए हुए थे और इन्होंने बेसिकली जब चाइना की तरफ से प्रपोजल आया वन रोड मतलब सिल्क रोड के लिए जिसमें CPAC भी है या फिर और भी रोड्स हैं और चाइना का जो प्लान है वो इंडिया में भी रोड्स लाने का है, इस वजह से बेसिकली अब इंडिया ने इसके लिए कम्प्लीटली मना किया दोबारा से, क्योंकि इंडिया इसके लिए हमेशा से मना करते आया है। और इंडिया ने कहा है जब तक ये सारी चीज़ें गिलगित बाल्टिस्तान मतलब कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के रीजन से आती रहेंगी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से गुजरती रहेंगी रोड्स, तब तक इंडिया इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करेगा और चाइना उस रोड को वहाँ से हटा भी नहीं सकता। वो चाइना की पूरी तरीके से एक आप कह सकते हो एक कमज़ोर नस है,
जिस दिन वो चाइना उसको वहाँ से हटा देगा, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी, जिस चीज़ पर पाकिस्तान हमेशा उछलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पर डूब जाएंगी और उनके पूरे के पूरे सपने सब कुछ ख़राब हो जाएंगे। और एट द एंड चाइना को भी कब्ज़ा करना ही है पाकिस्तान के वो सारे जगहों पर जहाँ जहाँ पर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है। तो चाइना इन सारी चीज़ों पर अपना ही प्रॉफिट देख रहा है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जो कि Su-57 पे ही है, मतलब Su-57 को डिटेल मैंने बताया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जय हिंद।